ने मुझे एक ऐसे लड़के से मिलाया जिसने प्यार के नाम पर मेरे साथ धोखा किया। वो मेरा पहला प्यार था। लोगों के लिए उनका पहला प्यार या तो गुरूर होता है या गम, पर मेरे लिए वो घाव बन गया। एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा। मेरे गांव के मुखिया का बेटा था वो। कहने लगा मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे सपने दिखाए, मैं उसके सपनों में खो गई। पापा ने बहुत समझाया था, माँ ने डांटा भी था, पर फिर वही गलती की जो हर लड़की करती है। 19 दिन के प्यार के लिए माँ बाप का 19 बरस का प्यार भूल गई मैं। प्यार कभी गलत नहीं होता, पर फैसले गलत हो जाते हैं। मैंने भी गलत फैसला ले लिया। उसके कहने में आकर भागकर मुंबई चली गई, वो मुंबई जिसे फिल्मों में देखा था। उसके चकाचौंध में खो गई मैं। फिर मंदिर ले जाकर उसने मेरे साथ शादी कर ली। उसके बाद वो मुझे अपनी मौसी के घर ले गया। मुझे लगा मुझे ससुराल मिल गया, परिवार मिल गया, पर वहां का माहौल कुछ अलग ही था। और मैं तो सिर्फ 19 साल की थी ना, वो सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम लग गया, पता ही नहीं चला। और जब तक पता चला तब तक तो वो मुझे उस दलदल में धकेल कर जा चुका था। लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीवी फिल्मों में दिखाते हैं वो सिर्फ कहानियां हैं, नहीं, ऐसा सच में होता है। हमारे देश में आज भी जाने कितनी लड़के स्मगल की जाती है जिनका सौदा होता है। ये सुषमा, इसके साथ भी वैसा ही हुआ है, इसे भी किसी अपने ने दलदल में धकेल दिया। आप लोगों ने ये सब सिर्फ सुना है, पर हमने हमने जिया है। कई बार मन किया, बार बार मन किया खुद को खत्म कर लूं, पर नहीं कर पाई, हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर इसने मुझे समझाया कि देख माया, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं वहां से भाग गई, फिर पकड़ी गई, घसीट कर वापस लेकर गए मुझे। फिर इतना मारा मुझे। दंड बर्दाश्त करने की एक हद होती है, नहीं कर पाई मैं, हार गई। बदन पे पहली बिल पड़ती चीखें निकल पड़ती थी, फिर दर्द इतना बढ़ जाता था कि चीखे गले में घुट के रह जाती थी। समझ भी नहीं आता था कि शरीर में खून दौड़ रहा है या दर्द। दर्द से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर एक औरत शर्म से नहीं लड़ पाती। जब सबके सामने आपको जलील किया जाए, थप्पड़ मारा जाए, समझती क्या है अपने आपको, चल बैठ इधर, तो उसके निशान शरीर पर नहीं लगते, आत्मा पर लगते। कहते नरक में रहने लगो तो नरक भी घर लगने लगता है। मैं भी उस नरक में रह रही थी कि एक दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। हर औरत का खास रिश्ता उसके बच्चे के पिता के साथ होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बच्ची का पिता है कौन। क्योंकि इतने लोगों के साथ उन लोगों ने मुझे छोटी उन्हीं में से किसी की बेटी है। किसकी है ये तो छोटी की मां को भी नहीं पता।
हर बच्चा अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, पर मेरी छोटी मेरे लिए उम्मीद भी लेकर आई और विश्वास भी। ये विश्वास कि ये पिंजरा मुझे नहीं तोड़ पाएगा, मैं इस पिंजरे को तोड़ूंगी। अरे मैंने तो उसे बाद में जन्म दिया है, पहले उसने मुझे नया जन्म दिया, नई जिंदगी दी। अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही मैंने मौसी को साफ साफ मना कर दिया, फिर मुझे बहुत मारा, इतना मारा, इतने जख्म दिए। उन जख्मों के निशान आज भी है मेरे बदन पे, यहाँ इट पीट पे भी है। पर इस बार मैं हारी नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे साथ थी, जो मुझसे कह रही थी कि तू लड़ ना मां, मैं हूं ना तेरे साथ। औलाद मां की हिम्मत होती है, तुम तो समझ सकते हो अनुपमा। मेरी गोद में आते ही मेरी बच्ची ने मुझे जीने की वजह भी दी और उम्मीद भी। और ये वजह, ये उम्मीद, ये हौसला, ये ताकत इस दुनिया में उसके आते ही और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने उस दलदल को छोड़ देना चाहती थी, पर बाद में समझ में आया कि वो लोग मुझे उस दलदल में खींच क्यों रहे, क्योंकि वो लोग मेरी बच्ची के साथ वो सब कुछ करना चाहते थे जो उन लोगों ने मेरे साथ किया, और ये मैं नहीं होने दे सकती थी। मैंने हर जुल्म सा, मैं लड़ी, किसी को काट खाई, किसी के सर पे बोतल फोड़ दी, अपनी टांगे तुड़वा ली, सब कुछ किया, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दी। और फिर उस रात एक नन्ही सुबह ने जन्म लिया, और फिर मैं सुषमा की मदद से वहां से भाग गई। थैंक यू, अगर उस रात तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहां नहीं होती। कभी एहसान नहीं भूलूंगी तुम्हारा यार, सच में। मैं किसी तरह बच बचा करके अनाथ आश्रम पहुंची और वहां मैं अभय से मिली, और फिर ना चाहते हुए भी मुझे अपनी बच्ची को अभय के पास छोड़ना पड़ा, इस वादे के साथ कि एक दिन मैं अपनी बच्ची को वापस लेने जरूर आऊंगी, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछता। मुझे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो लोग मुझे वहां देख लेते तो मेरी बच्ची की जान खतरे में पड़ जाती। अपनी बच्ची के अलावा मुझे मेरा परिवार बहुत याद आया अनुपमा, माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। सोचा कि उनके पास चली जाऊंगी तो वो लोग मुझे समझेंगे। जब वहां पहुंची तो पता चला बाबा तो कब का गुजर गए, और उनकी मौत का जिम्मेदार भी माँ ने मुझे ठहराया। मुझे तो घर में पाँव भी नहीं रखने दिया, मुझसे कहा तू भूल जा कि तू हमारी बेटी भी है, तू हमारे लिए मर गई। उत्तर मैंने बहुत दुख सहे, बहुत दर्द बर्दाश्त किया अनुपमा, पर अपनी माँ की कही इस बात का दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाई मैं। और अब ये दुख, ये दर्द मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाएगा कि मेरी माँ ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं इतनी बिखर गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे कहूं, किससे मदद मांगू, मैं जाऊं कहां, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर शायद भगवान को मुझ पर थोड़ी दया आ गई, उन्होंने एक कपल को मेरे जीवन में भेजा, बहुत अच्छे लोग मेरे मेंटोर बने। मैंने अब अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से की। उत्तरा तो कब का मर चुकी थी, माया ने जन्म लिया। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, अपने आप को बदला। सुषमा और सुषमा जैसी जाने कई लड़कियों को मैंने उस दलदल से बाहर निकाला, और आज मेरी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जहां पे मैं नई नई मॉडल्स को मौका देती हूं ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। अपनी जिंदगी के पुराने साए को भूलकर मैं मेरी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, पर फिर से किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं निकली और उस दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन आप और अनुज
मेरी बच्ची को यहाँ लेकर आ गए फॉस्टर केयर के लिए, और आज मैं अपनी बच्ची को वापस लेने आई हूँ। जज करना है कि जी इल्जाम लगाने लगाई, लेकिन उसके पहले एक बार अपने अपने अंदर भी झांक कर देखिए। एटलीस्ट मैंने अपने जीवन साथी को धोखा नहीं दिया, बिजनेस में फ्रॉड नहीं किया, खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता, उस रिश्ते से एक बच्चा होते हुए भी किसी और की कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई। जब आप दोनों को अंकुश के बच्चे के बारे में पता चला तो आप लोगों ने क्या किया? नथिंग। अपनी प्रॉब्लम में इतना उलझे रहे कि ये तक भूल गए कि वो बच्चा इतने सालों से अपने बाप के प्यार के लिए और अपने हक के लिए तरस रहा है। क्या किया आप लोगों ने? वनराज, तोशु, अंकुश, इन तीनों के भी पास्ट है, इनसे तो किसी ने सवाल नहीं किया ये अच्छे पिता है या नहीं। तो मेरे पास्ट के बेसिस पे ये कैसे जज कर लिया कि मैं अच्छी मां बन सकती हूं या नहीं? हर मां तो मां होती है, और मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बा, आप तो मेरी बात से अग्री करेंगी, आप अपने पोती पोतियों के लिए चाहे कितना भी कर लीजिए, पर कल को अगर उन पर मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो जाएंगे अनुपमा के पास ही, क्योंकि वो उनकी माँ है, उनका खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। तभी तो जब बच्चों की बात आती है तो अनुपमा और वनराज एक साथ खड़े हो जाते हैं। वनराज चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, आप हमेशा उनकी ही तरफदारी करती है। तभी तो बार बार तोशु और पाखी को माफ कर दिया जाता है। कोई माने या ना माने, पर मैं मानती हूँ दुनिया में खून से बड़ा रिश्ता और कुछ भी नहीं होता। तो अगर आज मैं अपनी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ तो उसमें गलत क्या है? ये मेरा हक है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। अनु मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूं और मैं उसके साथ ही रहूंगी। बात हो गई खत्म। आपने कीचड़ में गिरे हुए तो देखे होंगे, आज ही गिरा हुआ तारा भी देख लीजिए, और ये टूटा हुआ तारा आपसे अपना चांद वापस लेने आया है। मैं जानती हूं मेरा पास्ट है, एक ऐसा पास्ट जो ना बताने लायक है ना याद करने लायक है, पर मेरा भगवान जानता है मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल गलत नहीं हूं, बिल्कुल गलत नहीं हूं मैं नहीं हूं गलत, मैं गलत नहीं हूं। हम सबको लगता है कि हमने जिंदगी में बहुत दुख देखे, पर असल में दुख क्या होता है ये आज पता चला। तुम तो खुद हिम्मत वाली हो माया। अनु सही कह रही है, I'm sorry. I'm really sorry, माया, तुम्हें जाने बिना मैं तुम्हारे बारे में एक सोच बना ली। I'm sorry. It's okay. You know what, माया? तुम एक इंस्पिरेशन हो। I so wish कि मैं भी अपनी बेटी के लिए इतना कर पाऊँ जितना आपने अपनी बेटी के लिए किया। छोटी अनु बहुत लकी है माया, जो उसे तुम्हारे जैसी माँ मिली। माया, I'm sorry for everything.
आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, मुझे समझा, इसके लिए थैंक यू। पर मुझे इस बात से सच में फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, पर पड़ता है तो इस बात से कि मेरी बेटी मेरे बारे में क्या फील करती है। चूड़िया कच्चे कांच का बना है, नाचुक सच्चे पर। औरत और चूड़िया दोनों एक जैसी होती है, खुश हो तो चमक जाए, प्यार में हो तो खनक जाए, गुस्सा हो तो बोल जाए और दुख में मोल जाए। पर कुछ मर्दों के लिए चूड़ियों का कभी कोई एक मतलब नहीं रहता। जैसे जैसे कलाई बदलती है वैसे वैसे चूड़ी का मतलब बदल जाता है। माँ के हाथ में चूड़ियां सौभाग्य होती है, पत्नी के हाथ में सुहाग, प्रेमिका के हाथ में श्रृंगार। और उस मर्द का अगर किसी औरत के साथ कोई रिश्ता ना हो तो ज्यादातर वो चूड़ी और वो औरत मर्द के लिए सिर्फ एक कांच का टुकड़ा बन के रह जाती है। पर मर्द ये भूल जाते हैं कि जब वही कांच टूटता है ना तो छूने वाले का खून निकाल देता है। और ये चूड़ी तो अपने आप नहीं टूटी है, इसे तो मर्दों ने तोड़ा है। माया ने किसी से प्यार किया और वो अगर इसे धोखा देकर चला गया तो गलती माया की है या वो धोखा देने वाले की? पूरी आजादी है किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। भगवान ने जुबान दी है तो बोलना सबको आता है, लेकिन किसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, बोलना है भी या नहीं, कि हम सबको जरा सीखने की जरूरत है। और किसी भी औरत के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार सोचना चाहिए, क्योंकि औरत चाहे किसी भी पेशे में क्यों ना हो सकता है उसके पीछे एक मजबूर बेटी, एक मजबूर बहन, एक मजबूर माँ हो। सॉरी माया, माँ या तुम्हारे नाम में भी मेरे नाम की तरह माँ है। और मुझे इस बात की खुशी है, बहुत गर्व है कि तुमने हमारी छोटी को जन्म दिया। हमारे कान्हा जी की देवकी तुम। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।